बहुत ह्यूज एक्सकेवेशन थी, 22 स्लैब्स, 30 लाख क्यूबिक फुट एक्सकेवेशन थी, 121 पाइल्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असीब ताज है। इस टाइम मैं अर्बन ड्वेलिंग की साइट के ऊपर बेरी ओरिएंटल गार्डन्स में खड़ा हूँ। एक शॉर्ट सी आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट था, हमारी पूरी इंजीनियरिंग की टीम एंटिसिपेट कर रही थी कुछ प्रॉब्लम्स। 18 कनाल का ये प्रोजेक्ट है, 22 स्लैब्स का ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट था। तकरीबन 121 पाइल्स हैं जो कि 70 फुट गहरी हैं। अगर आप टिपिकली एक 5 मरले का प्लाजा देखें तो 6 से 7 5 मरले के 6 स्टोरी के प्लाजों में जितना स्टील लगता है, ऑलरेडी स्टील हम इतना लगा चुके हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी बड़ा एक्सकेवेशन सिस्टम था, एक्सकेवेशन रिस्टेनिंग सिस्टम था। फिर उसके साथ हमने शॉर्ट क्रीट की, फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा जो पार्ट हमारा ऐड हुआ वो ये हुआ कि इसके अंदर बहुत ह्यूज एक्सकेवेशन थी। सिर्फ जो एक्सकेवेशन थी वो 30 लाख क्यूबिक फुट एक्सकेवेशन थी, वो हमने की। इसके साथ फिर हमने एक लेबर कैंप रखना था, लेबर कैंप के अंदर हमने एक बैचिंग प्लांट रखना था, तो लेबर कैंप अब हमारा फंक्शनल है, बैचिंग प्लांट हमारा फंक्शनल है, सारी एक्सकेवेशन हमारी हो चुकी है। तो इनिशियली हम एंटिसिपेट ज़रूर कर रहे थे प्रॉब्लम्स को, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं थोड़े से बढ़ गए थे कुछ कुछ जगहों पे, और अक्सर ये प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है। तो वो प्रोजेक्ट, वो जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स थे हमने अब ओवरकम कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे देख रहे हैं लीन हो रही है, हमें NOCs वगैरह मिल गए हैं, चीज़ों के ड्राइंग्स कंप्लीट हो गई हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आप अगर चीज़ें सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में तो ह्यूज प्रोजेक्ट है। मैं आपको इन्वाइट करूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर आएँ, चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। और बेरी ओरिएंटल गार्डन में अर्बन ड्वेलिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसी इलाके में और बाकी जगहों के ऊपर भी, आपको इन्वाइट करूँगा कि उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लें, डिस्क्रिप्शन में भी होगी। कॉमेंट करें, कोई और सवाल हुआ तो लाजमी पूछे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।